हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अभी तक रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम बर्थ कंट्रोल यानी कॉन्ट्रासेप्शन के डिफरेंट मेथड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और इसके बाद में इस चैप्टर में दो तीन और छोटे छोटे टॉपिक्स रह जाते हैं, चलो उनको भी पढ़ लेते हैं। तो इनमें सबसे पहले हमारे पास आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP। इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड MTP और इंड्यूस्ड अबॉर्शन। तो कॉमन लैंग्वेज में जिस चीज़ को हम अबॉर्शन बोलते हैं उसी को यहाँ पर साइंटिफिक टर्म्स में MTP कहा जा रहा है, यानी अगर एक प्रेगनेंसी हुई लेकिन अपने टर्म को कंप्लीट करने से पहले ही उस प्रेगनेंसी को खत्म कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया, तो ये MTP कहलाता है। नियरली 45 to 50 million MTPs आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच अकाउंट्स फॉर 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसीज इन अ ईयर। यानी एक साल में जितनी टोटल प्रेगनेंसीज कंसीव होती हैं उसमें से करीब 1/5 यानी 20% इस तरह से MTP की वजह से टर्मिनेट हो जाती है। Whether to accept or legalize MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issues involved in it. अब MTP को यानी abortion को legalize किया जाए या नहीं, accept किया जाए या नहीं, इस पर कई लोगों का अपना अपना मत है, और इसीलिए different countries में MTP को लेकर laws भी अलग अलग होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP इन 1971, हमारे यहाँ 1971 से MTP लीगल है, विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट्स मिसयूज। अब मिसयूज तो हो ही सकता है, अगर इस तरह से अबॉर्शंस आप हर हाल में एक्सेप्ट कर लोगे, लीगलाइज कर लोगे, तो वही बात है, इंडिया में तो फीमेल फीटिसाइड भी होते हैं, लोग बच्चे का सेक्स चेक करवा कर और फिर जो भी फीमेल फीटर्स होंगे उस वाली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देंगे, MTP कर देंगे। तो इसीलिए पूरी तरह से हम अबॉर्शन को, MTP को लीगलाइज भी नहीं कर सकते, उसके ऊपर कुछ रेगुलेशंस हमको लगानी पड़ती हैं, स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखनी पड़ती हैं। सच रेस्ट्रिक्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फीटिसाइड्स विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन आर कंट्री। तो अब यहाँ पर क्या रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, सब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2017 में आया था, इट वॉज इनएक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द इंटेंशन ऑफ रिड्यूसिंग इंसिडेंस ऑफ इलीगल अबॉर्शन एंड कॉन्सिक्वेंट मेटर्नल मोर्टैलिटी एंड मॉर्बिडिटी। अब ऐसा भी होता है कि फीमेल फीटिसाइड का केस ना भी हो, अगर MTP लीगल नहीं है और कोई लेडी इस तरह का प्रोसीजर अंडरगो करना चाहती है, अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहती है, तो कई बार ऐसे इलीगल तरीके से ये काम हो रहे थे कि ये उस लेडी की हेल्थ को बहुत एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए भी हमको रेगुलेशंस की ज़रूरत है कि अबॉर्शंस या MTP जैसे जो भी प्रोसीजर्स हैं वो इधर उधर उल्टे सीधे तरीके से बिना प्रॉपर प्रोफेशनल्स की गाइडेंस के ना हो। तो ये इसीलिए 2017 में अमेंडमेंट लाया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अ प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड ऑन सर्टन कंसिडर्ड ग्राउंड्स विद इन द फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ऑन द अपीयरेंस ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर के ओपिनियन के बाद ही ये बताया जा सकता है कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाए या नहीं, और फर्स्ट 12 वीक्स में यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पहले 3 महीनों में गेस्टेशन पीरियड के प्रेगनेंसी के, उसको अबॉर्ट किया जा सकता है। अगर प्रेगनेंसी 12 वीक से ज्यादा हो चुकी है लेकिन 24 वीक से कम है, इफ द प्रेगनेंसी इज लास्टेड मोर देन 12 वीक्स बट फ्यूअर देन 24 वीक्स, टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स मस्ट बी ऑफ ओपिनियन फॉर्म्ड इन गुड फेथ दैट रिक्वायर्ड ग्राउंड एग्जिस्ट। तो अगर प्रेगनेंसी 12 और 24 वीक्स के बीच में है तो दो डॉक्टर्स का ओपिनियन इसमें हमको लगेगा, दो डॉक्टर्स को कहना पड़ेगा कि हाँ ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना ज़रूरी है। और टर्मिनेट करने के ग्राउंड्स क्या होते हैं, पहले तो ये हो सकता है कि कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क टू द लाइफ ऑफ प्रेगनेंट वुमेन और ग्रेव इंजरी टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो या तो ये हो जाए, डॉक्टर ये कह दे कि इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने से उस लेडी की हेल्थ को नुकसान पहुँच सकता है, या दूसरी चीज़, देर इज़ अ सब्सटैंशियल रिस्क दैट If the child were born, it would suffer from such physical and mental abnormalities as to be seriously handicapped. यानी अगर जो फीटस है, जो बेबी है, उसकी डेवलपमेंट सही नहीं हो रही है या उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी है तो भी उस फीटस को अबॉर्ट किया जा सकता है। तो ये एक दो क्राइटेरिया है कि अगर मदर की हेल्थ के लिए प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, या जो बेबी है, जो फीटस है, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है, तो इन केसेज में इन चीज़ों को कंसिडर करके MTP को अलाउ किया जा सकता है, लेकिन बेवजह नहीं। Obviously, why? What is the reason for MTP? It is to get rid of unwanted pregnancies, either due to casual unprotected intercourse, failure of the contraceptive used during coitus, or rapes. MTPs are also essential in certain cases where continuation of pregnancy could be harmful or even fatal for the mother or fetus or both. तो ऐसे केसेस में MTP की जरूरत पड़ती है। They are considered relatively safe during the first trimester, that is up to 12 weeks of pregnancy. Second trimester abortions are much more riskier. One disturbing trend observed is that majority of MTPs are performed illegally by unqualified quacks, which are not only unsafe but could also be fatal.
Another dangerous trend is the misuse of amniocentesis to determine the sex of the unborn child. Frequently, if the fetus is found to be female, it is followed by MTP. This is totally against what is legal. Such practices should be avoided because these are dangerous for the young mother and fetus. Effective counseling on the need to avoid unprotected coitus and the risk factors involved in illegal abortions, as well as providing more healthcare facilities, could reverse the mentioned unhealthy trend. So, MTPs ko lekar bhi government ki yahi concerns hai ki jo bhi abortions ho rahe hain, jo MTPs ho rahe hain, wo proper professionals ki guidance ke under hone chahiye, illegally nahi hone chahiye, unqualified logon ki madad se nahi hone chahiye. Aur isi liye MTP ko hamari government ne legalize kiya hai, us par ye kuch regulations, kuch rules lagane ke baad mein. तो एमटीपी के बारे में यही ब्रीफली हमारी एनसीईआरटी बुक हमको बताती है कि भाई हमें बस ये याद रखना है कि प्रेगनेंसी के 12 वीक्स तक एमटीपी को सेफ समझा जाता है और हमारी गवर्नमेंट ने इन इन रूल्स के साथ इन इन क्राइटेरिया के बेसिस पे एमटीपी को लीगलाइज कर रखा है. चलो अब आ जाते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस पे, जिनको एसटीडी या एसटीआई बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में. Infections or diseases which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted infections. STI bhi keh sakte hai isko, venereal diseases bhi keh sakte hai, yani short mein VD, ya phir reproductive tract infections, RTI bhi inko kaha ja sakta hai. Isme se koi bhi term aap use karo, baat ek hi hai. Kul mila ke ye aisa infection ya aisa disease hai ki agar aap kisi infected person ke saath sexual contact mein aate hai, to healthy person ki body mein ye disease aa sakta hai. अच्छा, हमारे पास हमारी एनसीईआरटी बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं एसटीआईज के, जिसमें गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीस, क्लैमिडियासिस, जेनिटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी और द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन इन रीसेंट ईयर्स एचआईवी लीडिंग टू एड्स हमारे कॉमन एसटीआईज हैं. अमंग दीज एचआईवी इन्फेक्शन इज द मोस्ट डेंजरस और आगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे. Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection needles and surgical instruments. तो वैसे तो इसको हम STI कह रहे हैं, यानी sexual intercourse, sexual contact की वजह से ये जो है ये diseases spread होती है. लेकिन hepatitis B और HIV ये दोनों ऐसे हैं जो needle यानी syringe share करने से और surgical instruments share करने से भी spread हो सकते हैं. ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इन्फेक्टेड मदर से फीटस में ट्रांसमिट होने का भी इन डिजीजेस का चांस रहता है. तो सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के अलावा नीडल्स के थ्रू, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू और मदर से फीटस में ये कौन सी डिजीजेस, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी जो है ट्रांसमिट हो सकती है. एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज एंड एचआईवी इन्फेक्शंस, अदर डिजीजेस आर कंप्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली. तो अगर हम क्योरेबल की बात करें तो हमारे पास केवल 3 एसटीडीज ऐसे हैं, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी और जेनिटल हर्पीस, जिनका हमारे पास में इस समय पर क्योर नहीं है. बाकी सारी एसटीआईज जो हैं क्योर की जा सकती हैं अगर इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो. अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर एंड इंक्लूड इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग. यही सिम्टम्स होते हैं, यही कॉमन सिम्टम्स होते हैं ज़्यादातर एसटीआईज के, कि जेनिटल रीजन में इचिंग होगी, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, इरिटेशन होगा, थोड़ा बहुत पेन होगा, स्वेलिंग होगी, यही सारे रहते हैं. इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन बी एसिम्टोमेटिक एंड हेंस मे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग. Absence or less significant symptoms in early stages of infection and social stigma attached to the STIs deter the infected persons from going for timely detection and proper treatment. तो ये दो factors हैं जो कि STIs के proper treatment के against काम कर रहे हैं हमारी society में. एक तो society में stigma है STDs को लेके, और दूसरी चीज़ कि क्योंकि symptoms इतने clear नहीं होते, early stages में symptoms कम ही रहते हैं, इसीलिए कई लोग इनको ignore भी कर देते हैं और diagnose नहीं करवा पाते STDs को, sexually transmitted diseases को. This could lead to complications later, which include pelvic inflammatory diseases. अगर early time पे, early stage में diagnose करके treatment start नहीं करते हैं तो आगे जाके complication हो सकते हैं, जैसे pelvic inflammatory diseases, abortions, stillbirths, ectopic pregnancies, infertility और even cancer of the reproductive tract. तो abortion का मतलब तो हम जानते ही हैं, स्टिल बर्थ का मतलब है कि बेबी का बर्थ होता है लेकिन द बेबी इज ऑलरेडी डेड व्हेन इट इज बॉर्न. और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि जो फीटस है उसको वैसे तो यूट्रस के अंदर जाके इम्प्लांट होना चाहिए, लेकिन अगर फीमेल बॉडी में यूट्रस के अलावा कहीं और पे फीटस की इम्प्लांटेशन हो जाती है तो अगेन इट इज़ अ ह्यूज कॉम्प्लिकेशन. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि एसटीडीज को अगर अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाए. They are a major threat to a healthy society. Therefore, prevention or early detection and cure of these diseases are given prime consideration under the reproductive health care programs.
Though all persons are vulnerable to these infections, their incidence are reported to be very high among persons in the age group of 15 to 24 years. So, jo youngsters hain, unme is tarah ke sexually transmitted diseases ke incidences zyada hote hain. There is no reason to panic because prevention is possible. One could be free of these infections by following the simple principles given below. So, simple baat hai, ye baat aapne pehle bhi suni hogi ki prevention is better than cure. In diseases ko cure karna, inka treatment karwana zyada mushkil hai iske bajaye ki iske against pehle se hi प्रिकॉशन लेके चला जाए और खुद को इनसे बचाकर चलें और दो तीन सिंपल रूल्स हैं जो कि हमको इसके लिए फॉलो करने होते हैं एक तो वी शुड अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एनी अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स क्योंकि जितने पार्टनर्स ज़्यादा होंगे उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि हो सकता है उनमें कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का इन्फेक्शन हो ठीक है दूसरा रूल है ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइटस कॉन्डम्स या किसी ना किसी तरह की प्रोटेक्शन ज़रूर यूज़ करनी चाहिए सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान बिकॉज यू कैन नेवर बी श्योर अबाउट द अदर पर्सन कि उसकी बॉडी में कौन सा इन्फेक्शन है और कौन सा नहीं और दूसरी चीज़ इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस्ड विद द इन्फेक्शन अगर कोई इस तरह का इन्फेक्शन है भी और डाउट है भी सस्पिशन है भी कि ऐसा कुछ हो सकता है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाया जाए किसी सोशल स्टिग्मा के बारे में सोचे बिना ताकि ट्रीटमेंट आसानी से हो पाए तो यही दोनों तीनों रूल्स को फॉलो करने से STDs से बचा जा सकता है सिंपल से रूल्स हैं और अगर एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी है जिसमें इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस है तो ये सिंपल रूल्स फॉलो करने में हमारे यंगस्टर्स को कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए ठीक है भाई लास्ट टॉपिक अपने पास आ जाता है इनफर्टिलिटी का इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि जब एक कपल साथ में रहने के बाद भी और बेबी करना चाहते हैं उसके बाद भी बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो इसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं अ डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट अ मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी अ लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन द reasons फॉर दिस could बी मैनी इसके कई reasons हो सकते हैं इनफर्टिलिटी का हम pinpoint नहीं कर सकते उस कपल को प्रॉपरली examine करने से पहले एनालाइज करने से पहले कि इसका रीज़न कैसा है फिजिकल है congenital है diseases की वजह से किसी ड्रग की वजह से immunological reason है या even psychological भी हो सकता है In India, often the female is blamed for the couple being childless, but more often than not, the problem lies in the male partner. तो male या female दोनों partners में कोई भी problem हो सकती है क्योंकि ये एक बहुत ही वेल सिंक्रोनाइज्ड प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का कि स्पर्म्स जो हैं वो फर्टिलाइजेशन की साइट्स तक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इतना तैर के इतना स्विम करने के बाद में एग के पास पहुंचते हैं फिर आपस में फर्टिलाइजेशन होती है फिर जाइगोट की फॉर्मेशन होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है और अगर मेल या फीमेल दोनों में से किसी भी एक पार्टनर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किसी भी एक ऑर्गन में हल्का सा भी इशू है तो कंसीव करने में दिक्कत आ ही सकती है और आजकल का तो लाइफस्टाइल भी ऐसा है कि हेल्थ इश्यूज़ लोगों को पुराने ज़माने से ज़्यादा ही होते हैं कि चारों तरफ पोल्यूशन भी है खाना पीना भी अच्छा नहीं है तो इसीलिए इनफर्टिलिटी टाइम के साथ और ज़्यादा कॉमन होती जा रही है इसीलिए हमको उसके बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए कि इनफर्टिलिटी के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं और किस तरह से जो इनफर्टाइल कपल्स हैं उनकी हेल्प की जा सकती है मेडिकल फील्ड में जो एडवांसमेंट्स हुई हैं उसकी मदद से So, specialized healthcare units like infertility clinics could help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorders and enable these couples to have children. However, where such corrections are not possible, the couples could be assisted to have children through certain special techniques commonly known as assisted reproductive technologies. अब अगर fertility में problems हैं तो infertility clinic में doctor के पास जाके आप अपने बारे में बता के और doctor से inquire कर सकते हो कि भाई कहाँ पर दिक्कत आ रही है और ज़्यादातर ये problems जल्दी solve हो जाती हैं लेकिन अगर आपकी problem infertility clinic में solve नहीं हो पा रही है तो हमारे पास कई सारे ऐसे भी procedures हैं जिससे इनफर्टाइल कपल्स को हेल्प मिल सकती है बच्चे प्रोड्यूस करने में इनको हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज या ARTs कहते हैं तो कौन से ARTs हैं हमारे पास में चलो डिस्कस करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF के बारे में तो हमने सुनाई है इट इज़ फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस एज दैट इन द बॉडी तो जब भी हम इन विट्रो बोलते हैं तो मतलब हम लेबोरेटरी में होने वाले किसी काम की बात कर रहे हैं तो वैसे फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है भाई फीमेल बॉडी के अंदर फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की साइट है लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नेचुरल तरीके से नहीं हो पा रही है तो उसको लेबोरेटरी में इन विट्रो करवाया जा सकता है फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर यानी ET तो हमने फर्टिलाइजेशन लेबोरेटरी में करवाई हमारा जाइगोट बन गया एम्ब्रियो बन गया और इस एम्ब्रियो को फिर ट्रांसफर कर देते हैं मदर की बॉडी में जहां पर उसकी ग्रोथ हो जाए एक नेचुरल तरीके से इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम IVF को ही टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहा जाता है कॉमनली
ova from the wife or the donor female and sperms from the husband or donor male are collected and they're induced to form a zygote under stimulated conditions in the laboratory. So, male or female gamete ko lekar ke laboratory mein zygote banwaya jata hai, unki fertilization ki jati hai. The zygote or early embryos with up to 8 blastomeres could then be transferred into the fallopian tube. So, zygote ko ya bahut early stage ke embryo ko jisme 8 se bhi kam cell hai, usko transfer kiya ja sakta hai fallopian tube mein kyunki naturally body mein agar fertilization ho rahi hoti to kahan par hoti? Fallopian tube ke andar. To zygote ko fallopian tube mein transfer karenge to isko zygote intrafallopian transfer yani ZIFT keh sakte hain. Lekin agar embryo thodi aage ki stage pe pahunch gaya usme 8 se zyada cell ho gaye embryos with more than 8 blastomeres उनको सीधा यूट्रस में भेजा जाता है क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा फेलोपियन ट्यूब के अंदर जायगोट बनता है एम्ब्रियो बनता है वो भी ट्रैवल करते करते धीरे धीरे यूट्रस के पास में ही पहुंचता है तो अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा का हमारा एम्ब्रियो हो गया है लेबोरेटरी में तो इसको इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर कर दिया जाता है यानी सीधा यूट्रस में भेज देते हैं टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट और बिल्कुल उसी तरह से जैसे अगर इन वीवो फर्टिलाइजेशन हुई होती मदर की बॉडी में फर्टिलाइजेशन हुई होती बेबी की डेवलपमेंट अब मदर की बॉडी में होती है Embryos formed by in vivo fertilization, that is fusion of gametes within the female, could also be used for such transfer to assist those females who cannot conceive. तो अगर किसी दूसरे फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन करवाई है तो इस एम्ब्रियो को भी रिसीव करके इस एम्ब्रियो को रिट्रीव करके और मदर की बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है क्योंकि वो मदर भले ही कंसीव ना कर पा रही हो लेकिन उसकी बॉडी में बेबी की डेवलपमेंट के लिए एनवायरमेंट है ठीक है भाई इसके बाद हमारे पास कुछ टेक्निक आती हैं गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर की ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन सपोज देयर इज अ फीमेल जो एग्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे और फर्टिलाइजेशन के लिए प्रेगनेंसी के लिए तो भाई एग चाहिए तो ऐसे में किसी डोनर से एग लेके उस एग को हम फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं इसी को गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर या GIFT टेक्निक कहते हैं तो ऐसी फीमेल जो एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती बट कैन प्रोवाइड सूटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी तो यहाँ पर GIFT हमारे काम आएगा इसके बाद इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन यानी ICSI हमारे पास एक और प्रोसीजर है इट इज अ स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लैबोरेटरी इन विच अ स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम तो अगर एग के अंदर स्पर्म को हम डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए तो ऐसे प्रोसीजर को इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहा जाता है Infertility cases either due to inability of the male partner to inseminate the female or due to very low sperm count in the ejaculates could be corrected by artificial insemination technique. So, agar insemination nahi ho pa rahi hai kisi bhi reason se ya insemination ho rahi hai lekin semen mein sperm count kam hai to aise mein इन दिस प्रोसीजर हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं सीमन जो कि हस्बैंड को बिलोंग करता है या फिर किसी हेल्दी डोनर से भी लिया जा सकता है इट इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वजाइना और यूटरस ऑफ द फीमेल तो इसको अगर यूटरस में हम सीमन भेजेंगे तो इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन कहा जाएगा ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंडर ही आ जाता है तो डिपेंडिंग ऑन क्या प्रॉब्लम हो रही है इनफर्टिलिटी का रीजन क्या है हम ये अलग अलग तरह के असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हैं जो कि इनफर्टाइल कपल्स को बच्चे प्रोड्यूस करने में हेल्प कर सकता है द ऑप्शंस आर मेनी ऑल दीज टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रेसिजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन तो ये सारे प्रोसीजर्स काफी महंगे होते हैं और इनके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी कम रहते हैं देयरफॉर दीज फैसिलिटीज आर प्रेजेंटली अवेलेबल Only in very few centers in the country और सभी लोग इनको access नहीं कर सकते Obviously, their benefits are affordable to only a limited number of people. Emotional, religious and social factors are also deterrents in the adoption of these methods. कई लोग इन methods को accept नहीं कर पाते हैं तो इसीलिए ज़्यादातर लोग जो इनको access कर भी सकते हैं कई बार वो भी इन्हें use नहीं करते Since the ultimate aim of all these procedures is to have children, in India we have so many orphaned and destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of. Our laws permit legal adoption and it is as yet one of the best methods of couples looking for parenthood. तो यहाँ पर लास्ट में हमको NCERT बुक में यही बताया गया है कि इतने सारे टेक्नोलॉजीज आज हमारे पास में हैं लेकिन ये सभी बहुत महंगे होते हैं इनके इन प्रोसीजर्स के सक्सेसफुल होने की भी कोई गारंटी नहीं होती तो बजाय इसके कि इसमें इतना सारा टाइम एनर्जी और पैसा वेस्ट किया जाए हम अडॉप्शन की तरफ भी जा सकते हैं जो ऐसे कपल्स हैं जो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं उनको लीगल अडॉप्शन के बारे में भी सोचना चाहिए क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको केयर की और एक फैमिली की ज़रूरत है
तो इसी बात के साथ में हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर हो जाता है खत्म और पूरा ही रिप्रोडक्शन का यूनिट यहाँ पर एंडेड है। लेकिन अगर आपको इस चैप्टर में किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट्स में ये बात मेरे साथ जरूर शेयर करो। चलो मिलते हैं अगली बार एक नया चैप्टर लेकर।